डुम्बिवली के एक व्यापारी को अगवा कर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं को मानपाड़ा पुलिस ने भेष बदलकर फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया। डुम्बिवली में प्लाईवुड के व्यापारी हिम्मत शेषमल नाहर को उन्हीं के जान पहचान वाले लोगों ने अपहरण कर शाहपुर के एक गांव में बंधक बनाकर रखा था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संजय विश्वकर्मा, संदीप रोकड़े, धर्मराज कामले और रोशन सावंत है। पुलिस के मुताबिक जल्द पैसा कमाने के लालच में उन्होंने व्यापारी का अपहरण कर फिरौती में 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। मिली जानकारी के मुताबिक डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में व्यापारी हिम्मत नाहर की प्लाईवुड की दुकान है। बुधवार 3 अगस्त को अपहरणकर्ता ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे। उन्होंने 3 लाख रुपए का प्लाईवुड खरीदा और बिल चुकाने के लिए एटीएम से पैसे निकालने का बहाना बनाया। एटीएम से पैसे निकालने के बहाने अपहरणकर्ताओं ने हिम्मत को गाड़ी में बिठाया और किडनैप करके शाहपुर तालुका के किसी गाँव के एक घर में बंदी बना दिया। इसके बाद रात करीबन 9:30 बजे किडनैपरों ने हिम्मत के भतीजे जीतू नाहर को फोन कर फिरौती में 50 लाख रुपए मांगे। तुम्हारा आदमी हमारे कब्जे में है, अगर उसे वापस चाहते हो तो हमारी बताई हुई जगह पर 50 लाख लेकर पहुंचो, ऐसी धमकी किडनैपरों ने हिम्मत के घरवालों को दी। व्यापारी के घरवालों ने मानपाड़ा पुलिस को सूचित किया। मानपाड़ा के थाना इंचार्ज शेखर बागड़े और उनकी टीम ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने का प्लान बनाया। इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने हिम्मत के भतीजे जीतू को फिरौती की रकम लेकर शाहपुर तालुका के गोटेघर गांव में स्थित एक सुनसान जगह पर बुलाया। जीतू फिरौती की रकम एक बैग में लेकर किडनैपरों द्वारा बुलाई जगह पर पहुंचा। वहीं पर मानपाड़ा पुलिस की टीम भी भेष बदलकर वहां मौजूद थी। चंद मिनटों में किडनैपर जाइलो कार में सवार होकर वहां पहुंचे। इस बीच फिरौती की रकम लेने से पहले ही पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं से पूछने पर उन्होंने पुलिस को बताया कि व्यापारी हिम्मत नाहर को पास के ही एक गांव के घर में बंदी बनाकर रखा गया है। पुलिस ने बिना देरी किए उस घर में पहुंचकर हिम्मत को किडनैपरों के चंगुल से छुटकारा दिलाया। इस प्रकार से मानपाड़ा पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी से एक व्यक्ति सही सलामत अपने घर वापस लौटा। डोंबिवली येथील प्लायवुड चे व्यापारी श्रीयुत हिम्मत नाहर यांना 3-8 रोजी दुकानात येऊन गिराईक आहे असे दाखवून आम्हाला प्लायवुड घ्यायचे आहे, 3 लाखाचं प्लायवुड खरेदीचा व्यवहार करून तुम्हाला तुमचे पैसे एटीएम मधून काढून देतो असे म्हणून त्यांना बरोबर घेऊन जाऊन त्यांना पहिलं एटीएम बंद आहे दुसऱ्या एटीएम मध्ये चला म्हणत असताना झाइलो या गाडीमध्ये बसवून त्यांना त्यांचा फोन ताब्यात घेऊन फोन बंद करून पळवून नेऊन त्या ठिकाणी दुपारी 3:30 वाजता पळवल्यानंतर संध्याकाळी साधारण 9:30 वाजता या जे फर्निचरचे मालक आहेत हिम्मत नाहर त्यांच्या पुतण्याला जीतू नाहर यांना फोन करून 50 लाखाचं डिमांड केलं आणि तुमचा चुलते जर सेफ पाहिजे असतील तर 50 लाख रुपये आम्ही सांगेल त्या ठिकाणी घेऊन या। त्यानुसार त्यांनी डिमांड केल्यानंतर जीतू नाहर यांनी आमच्याशी पोलीस स्टेशनशी संपर्क केल्यानंतर ताबडतोब टीमा बनवून त्या ठिकाणी व्यूहरचना तयार करून आरोपींना तांत्रिक तपासाच्या आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या फोनवरून येत असणाऱ्या ठिकाणाबद्दलचं लोकेशन घेत 50 लाख केक गाडीमध्ये तयार ठेवून त्यांना देत आहोत अशा प्रकारचा सगळा ट्रॅपची रचना करून सदर आरोपींना शहापूर जवळ हायवेवरती या आरोपींना ताब्यात घेतले। ते आरोपींची नावे आहेत संजय विश्वकर्मा, संदीप रोकडे, धर्मराज कांबळे आणि रोशन सावंत।